गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडेज लेक्चर इज रिलेटेड टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, तो प्रॉपर्टी नेम इज रिड्यूसिंग नेचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ओके ओके, तो बच्चों ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ओके, मॉइस्चर की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और साथ में नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करता है। ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करने की वजह से ये इसका जो नेचर होता है वो रिड्यूसिंग नेचर को शो करता है। ओके, तो SO2 यहाँ पे कैसा बिहेव करता है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं वो रिएक्शंस जहां पर इसकी इस कैरेक्टर को हम देख सकते हैं। तो फर्स्ट है इट डीकलराइज एसिडिफाइड KMnO4। ओके, तो फर्स्ट रिड्यूसिंग कैरेक्टर हमें इस रिएक्शन में देखने को मिलता है। तो लेते हैं हम KMnO4 बोला गया है एसिडिफाइड। ठीक है, यानी कि SO2 के साथ में यहाँ पे हमें क्या लेना है, वाटर लेना है। ठीक है, नाउ बनेगा सबसे पहले क्या, K2SO4 प्लस MnSO4, MnSO4 प्लस H2SO4। रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं, 2 2 5 2, रिएक्शन हमारी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई। ओके, सेकेंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर के लिए हमें रिएक्शन देखनी होगी कि ये जो है हेलोजन्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेलोजन्स को रिड्यूस कर देता है हेलोजन एसिड में। ओके, यानी कि अगर आपके पास Cl2 है तो ये Cl2 को रिड्यूस कर देगा HCl में। ओके, अगर आपके पास I2 है तो ये I2 को रिड्यूस कर देगा HI में। अगर आपके पास Br2 है तो ये Br को रिड्यूस कर देगा HBr में। तो यानी कि ये हैलोजन्स को रिड्यूस कर देता है उनके रेस्पेक्टिव एसिड्स में। ओके, हम रिएक्शन देखते हैं, Cl2 प्लस SO2 प्लस H2O, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो SO2 है वो अपना रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसकी प्रेजेंस में शो करता है, वाटर की प्रेजेंस में। इस वजह से हम कंटिन्यू वाटर को ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, H2SO4 प्लस HCl। ओके, हम रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं, 2 2, रिएक्शन अब हमारी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन है रिड्यूसिंग कैरेक्टर से रिलेटेड, it reduces ferric salt into ferrous salt. okay, ferrous salt, it means ये Fe ट्राई पॉजिटिव को Fe डाई पॉजिटिव में रिड्यूस करता है। ओके, हम रिएक्शन देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, FeCl3, यहाँ पे Fe के पास कैसा चार्ज है, Fe ट्राई पॉजिटिव। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ SO2 एंड H2O इट गिव्स FeCl2, यहाँ पे Fe पे कैसा चार्ज होगा, Fe डाई पॉजिटिव प्लस H2SO4 प्लस HCl। ओके, रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं, 2 एंड 2, रिएक्शन हमारी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। बच्चों ब्लीचिंग प्रॉपर्टी जो SO2 की होती है वो वापस किसकी वजह से होती है, नेसेंट हाइड्रोजन की वजह से होती है। अभी अभी जस्ट आपने रिएक्शन देखा है, SO2 प्लस H2O, सॉरी 2H2O गिव्स आउट H2SO4 प्लस नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है इसकी वजह से ब्लीचिंग एक्शन शो करता है SO2। ये करता क्या है, अगर आपके पास कोई वेजिटेबल कलरिंग मैटर है, मैं लिख दे रही हूँ कलरिंग मैटर है आपके पास, और आप उसकी रिएक्शन किससे करा दीजिए, SO2 से इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो हमें मिल क्या रहा है, नेसेंट हाइड्रोजन। यानी कि ये जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है ये एक्चुअली किसके प्रेजेंस में होने वाली है, नेसेंट हाइड्रोजन के प्रेजेंस में होने वाली है। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, कलरलेस मैटर,
यानी कि जो पहले कलरफुल था उसे ब्लीच कर देगा SO2 और कलर उसमें से हटा देगा। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है SO2 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड को कन्वर्ट कर देता है सल्फर में। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखते हैं ये रिएक्शन कैसे होती है। हमारे पास क्या होता है, H2S ये रिएक्ट किससे करता है, SO2 से, और हमें दे देता है सल्फर प्लस H2O। रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं, यहाँ पे टू लगाते हैं, ये है टू। अब रिएक्शन हमारी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई। ओके, इसी तरह ये जो है आयरन को फेरस ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, हम रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन हमारे पास लाइक ये आयरन है और आयरन रिएक्ट करेगा SO2 से और कन्वर्ट हो जाएगा FeO में और क्या देगा, FeS। ओके, बैलेंस कर देते हैं रिएक्शन N2। ये रिएक्शन क्या होगी हमारी, बैलेंस। ओके, तो इस तरह से हमारा जो सल्फर है वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है। अब हम आते हैं सल्फर की, SO2 की बात करते हैं, तो SO2 के यूज की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो SO2 है ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है ना। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये किसके मैन्युफैक्चर में यूज होता है, H2SO4 के मैन्युफैक्चर में यूज होता है। इसके अलावा ये शुगर रिफाइनिंग में भी हम इसका यूज करते हैं। ओके, इसके अलावा ये जो है डिसइंफेक्टेंट की तरह भी हम यूज करते हैं इसका, डिसइंफेक्टिंग। ओके, इसका हम यूज करते हैं और इसका यूज हम रेफ्रिजरेंट की तरह भी यूज करते हैं। ओके, तो इस तरह से काफी यूज है जो हम जो है सल्फर डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो बच्चों ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसमें एक प्रोसेस है, कॉन्टेक्ट प्रोसेस। ओके, तो कॉन्टेक्ट प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, बट आपके सिलेबस से इस प्रोसेस को हटा दिया गया है। ठीक है, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन से रिलेटेड प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस को हटा दिया गया है। इसके अलावा जो और चीजें हैं वो हमें H2SO4 में स्टडी करना है। ओके, तो बच्चों आपको ये तो पता ही होगा कि H2SO4 जो हमारा होता है इसे हम क्या बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल के नाम से जानते हैं, किंग ऑफ केमिकल। ओके, और उसके बाद हम आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो बच्चों मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कोई भी मेथड नहीं, एक ही मेथड आपके सिलेबस में था, कॉन्टेक्ट प्रोसेस, वो भी हटा दिया गया है। इसके लिए एक मेथड और होता है, लेड चैम्बर प्रोसेस, लेड चैम्बर प्रोसेस। तो उसको हम देख लेते हैं रैंडमली। तो इस प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हम कैसे करते हैं कि हम सल्फर को लेते हैं और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको क्या करते हैं, बर्न कर देते हैं यानी जला देते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोसेस है सल्फर डाइऑक्साइड हम बनाते हैं, लाइक कि आपके पास FeS2 है और इसको भी आप क्या करो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा और Fe2O3 मिल जाएगा। तो इस फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है कि वो सल्फर डाइऑक्साइड को हमें जो है बनाना होता है। तो चाहे हम इस प्रोसेस को ले और या हम इस प्रोसेस को ले, दोनों में से कोई भी एक प्रोसेस हम ले सकते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड हमारा बना है SO2 को हम कन्वर्ट कर देते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमारा क्या है, SO2 है। ठीक है, और उसको कि हमें ऑक्सीडाइज करना है, और ऑक्सीडाइज करने की जो प्रोसेस होती है हम ये किसकी प्रेजेंस में करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में करते हैं। तो SO2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, SO3 में, और हमें क्या मिल जाता है, NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद जो आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है ये वापस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ओके,
बैलेंस कर देते हैं हम इस फ्रैक्शन को। अब थर्ड स्टेप जो हमारा है, इस थर्ड स्टेप में हमें कुछ नहीं होता, ये जो SO3 हमें मिल गया है बच्चों, इस SO3 को हमें कन्वर्ट करना होता है H2SO4 में, ठीक है। इसके लिए कुछ भी नहीं करना होता, जो हमारा सल्फर ट्राईऑक्साइड है इसको हम नेक्स्ट चैम्बर में लेके जाते हैं, जो जिस चैम्बर में हम स्टीम देते हैं, और स्टीम तो आपको पता ही क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। स्टीम के प्रेजेंस में रिएक्शन क्या कर लेता है, क्या बना लेता है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। तो ठीक है, लेट चैम्बर प्रोसेस हम इसी को बोलते हैं। इसमें तीन स्टेप होते हैं, ठीक है, ये आपको बताना जरूरी था, क्योंकि डायरेक्ट अदर प्रॉपर्टीज बताने से पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन जानना जरूरी होता है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4। ओके, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम स्टडी करेंगे वो है डिसोसिएशन। ओके, तो बच्चों सबसे पहले आप ये जान लीजिए, आपके पास ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड को जब आप बॉइल करोगे तो ये डिसोसिएट हो जाता है SO3 प्लस H2O में। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमें स्टडी करना है वो है एसिडिक कैरेक्टर। ओके, एसिडिक कैरेक्टर में बच्चों ये तो आपको पता ही है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये कैसा एसिड है, डायबेसिक एसिड है, ठीक है, डायबेसिक एसिड है। इट मीन्स इसके पास कितने H पॉजिटिव निकलते हैं, 2H पॉजिटिव निकलते हैं, जिसकी वजह से ये हमें दो टाइप की सॉल्ट सीरीज देता है, एक तो नॉर्मल सॉल्ट देता है, दूसरा हमें ये एसिड सॉल्ट भी देता है। हम रिएक्शन देख लेते हैं, अगर हम रिएक्शन NaOH से करा दें सल्फ्यूरिक एसिड की, देखिए H2SO4, तो हमें क्या मिल जाता है, NaHSO4 प्लस H2O। तो ये जो हमें मिला है सॉल्ट, ये एसिडिक सॉल्ट के नाम से जाना जाता है, क्यों, क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और साथ में बीच में क्या प्रेजेंट है, H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव हमेशा किस कैरेक्टर को शो करता है, एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है। तो सॉल्ट का मतलब क्या होता है, आपके पास चार्जेस प्रेजेंट हो, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट हो, ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट हो जिनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव हो, लेकिन H पॉजिटिव नहीं होना चाहिए और OH नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए लेकिन इन दोनों को छोड़ करके। अगर किसी में H पॉजिटिव प्रेजेंट है तो वो क्या होता है, एसिड होता है, अगर OH नेगेटिव प्रेजेंट है तो वो बेस की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज है, यहाँ पे देखिए Na पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव प्रेजेंट है, दोनों दोनों ही दो ऐसे चार्ज प्रेजेंट है पॉजिटिव और नेगेटिव के अपोजिट चार्जेस, जिनके पास ना तो H पॉजिटिव है ना OH नेगेटिव है, लेकिन बीच में क्या प्रेजेंट है, H पॉजिटिव। तो इसको हम सॉल्ट का तो नाम देंगे, लेकिन एक स्पेशल टाइप के सॉल्ट की कैटेगरी में हम रखते हैं, नाम देते हैं एसिड सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, वापस सेम रिएक्शन कराते हैं NaOH प्लस H2SO4, लेकिन यहाँ पर हम NaOH की क्वांटिटी जस्ट डबल कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, Na2SO4 प्लस 2H2O। अब देखिए यहाँ पर कहीं पर भी ये मिला सॉल्ट है पॉजिटिव, दिस इज डाय नेगेटिव, हमें मिला सॉल्ट ही है, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे ना तो H पॉजिटिव है ना OH नेगेटिव है, तो यानी कि ये जो सॉल्ट हमें मिला है ये नॉर्मल सॉल्ट की कैटेगरी में आ रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमें जो हेडिंग स्टडी करनी है एफिनिटी फॉर वॉटर। ओके, वॉटर के लिए सल्फ्यूरिक एसिड की क्या एफिनिटी होती है, ये तो आपको पता ही होगा कि जो आपका H2SO4 है बहुत जगह पर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज होता है, ठीक है, कैसा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज होता है, यानी कि वाटर को वो उस पर्टिकुलर कंपाउंड से हटाने के लिए हम H2SO4 का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आती है कि ये क्या करता है, ये एथाइल एल्कोहल से वाटर को हटा देता है और एथाइल एल्कोहल को एथाइलीन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सपोज ये हमारे पास क्या है, एथाइल एल्कोहल है और इससे वाटर को हटाएगा, कौन हटाएगा, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, और इस एथाइल एल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है एथाइलीन में यानी C2H4 में, और क्या हटा रहा है, ये वाटर हटा रहा है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि ये क्या करता है, सुक्रोज से भी वाटर के मॉलिक्यूल्स को हटा देता है और सुक्रोज को कन्वर्ट करता है ब्लैक कलर के एक मास में जिसे हम कार्बन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक
ठीक है, ये पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक ब्लैक कलर के मास में जिसे हम कार्बन के नाम से जानते हैं, और इसमें से क्या रिलीज हो जाता है, वाटर के सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। इस रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं 12 11, ठीक है, रिएक्शन हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई, और ये जो कार्बन हमें मिला है यही क्या है, ब्लैक मास। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अगर आपके पास फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, या ऑक्सैलिक एसिड है, तो इन सब में से भी ये जो है क्या करता है, कैपेसिटी होती है H2SO4 के पास कि ये उससे वाटर मॉलिक्यूल को हटा रहा है। ठीक है, देखिए अगर आपके पास फॉर्मिक एसिड है यानी HCOOH है, अगर आप यहाँ पे इसकी प्रेजेंस में कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से H2O को हटा दें, देखिए हटा दे रहे हैं H2O को हटा दें, तो आपके पास क्या बचेगा, CO, ठीक है, एक एच ओ हट गया तो क्या बचा, CO। तो इस तरह ये क्या करता है, फॉर्मिक एसिड से भी, या फिर ऑक्सैलिक एसिड ले लें, हम ले लेते हैं ऑक्सैलिक एसिड भी H2C2O4, इससे भी जो आपका H2SO4 होता है वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर देता है, हटा देता है, तो हमें क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे कितने कार्बन है, दो है, दूसरा हम क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2। ठीक है, तो इस तरह ये अपनी बहुत ज्यादा एफिनिटी वाटर के लिए शो करता है और मोस्ट पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह ये बिहेव करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ H2SO4। ओके, तो बच्चों ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। H2SO4 कैसा वर्क करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ओके, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये ऐसा क्यों करता है, क्योंकि H2SO4 को जब आप डीकम्पोज करोगे, ठीक है, तो डीकम्पोज होने के बाद ये हमें क्या दे देगा, नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा। ठीक है, ये देखिए नेसेंट ऑक्सीजन, और नेसेंट ऑक्सीजन देने की वजह से ये यहाँ पे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो हम इसकी रिएक्शंस देख लेते हैं। तो अगर हम मेटल को ऑक्सीडाइज करने की बात करें तो ये लाइक आपका कॉपर है, लेड है, मरकरी है, जिंक है, आयरन है, टिन है, मैंगनीज है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो इस टाइप के ये मेटल्स को ऑक्सीडाइज करने की कैपेसिटी रखता है। हम देख लेते हैं रिएक्शन, अगर आप कॉपर का एग्जाम्पल लेना चाहें तो Cu+H2SO4, और ये Cu को कन्वर्ट कर देता है CuSO4 में, रिलीज करता है SO2 एंड H2O। रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं 2 2, रिएक्शन हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई है। अगर हम चाहें तो ऐसी रिएक्शन जिंक के साथ भी देख सकते हैं, बट जिंक के साथ ये डाइल्यूट फॉर्म में रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये आपका कॉपर है, लेड है, मरकरी है, इन तीनों के साथ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन करता है, लेकिन अगर आपके पास जिंक है, आयरन है, टिन है, मैग्नीज है, तो इनके साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का हम यूज करते हैं। ओके, तो देखते हैं Zn+H2SO4 किस फॉर्म में ले रखा है, डाइल्यूट फॉर्म में ले रखा है, और हमें क्या मिलेगा, ZnSO4, और क्या रिलीज हो जाएगा, H2। तो ये कैसी रिएक्शन को शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करेगा। ओके, इसके अलावा ये काफी नॉन मेटल से भी रिएक्ट करता है, नॉन मेटल्स लाइक आपके ऑक्सीडाइजेस नॉन मेटल्स। ओके, तो नॉन मेटल्स लाइक आपका कॉपर हो गया, आपका सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है, इनके साथ भी ये क्या करता है, रिएक्ट करता है। हम रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन इज सल्फर रिएक्ट विथ H2SO4 gives out SO2 and H2O। हम रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं 2 3 एंड 2, रिएक्शन हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इसके अलावा ये नॉन मेटल्स में कार्बन से भी बहुत इजीली रिएक्ट करता है, H2SO4 plus CO2 plus SO2 plus H2O, रिएक्शन बैलेंस करते हैं 2 2 2, रिएक्शन हो गई हमारी बैलेंस। ठीक है, इसी तरह फास्फोरस से, आयोडीन से भी ये रिएक्ट करने की कैपेसिटी रखता है। तो हम फास्फोरस से रिएक्शन देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, P4 रिएक्ट करा देते हैं H2SO4 से, हमें मिलेगा H3PO4 plus SO2 plus H2O। हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं
फोर टेन टेन फोर, रिएक्शन हमारी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। इसी तरह एक और इसके अंदर कैपेसिटी होती है कि ये हेलोजन एसिड को, हेलोजन एसिड्स को हेलोजन्स में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास एच बी आर है, ये हेलोजन एसिड है, इसकी रिएक्शन हम करा दें एच टू एस ओ फोर से, तो ये हमें क्या दे देगा, बी आर टू प्लस एच टू ओ प्लस एस ओ टू। ओके, रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं, 2HBr रिएक्शन हमारी क्या हो गई, बैलेंस। इसी तरह हम अगर यहाँ पे 2HI सॉरी HI ले लें तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, I2 मिल जाएगा। अगर यहाँ पे हम HCl ले लें तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, Cl2 मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद सॉल्ट, रिएक्शन विद सॉल्ट। ओके, तो आपको पता ही है कि ये क्या होता है, इट हैज लो वोलेटिलिटी, ठीक है, एंड डीकम्पोज द सॉल्ट ऑफ मोर वोलेटाइल एसिड। ये क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अपने माइंड में बना के रखिएगा। तो इट हैज लो वोलेटिलिटी, जो H2SO4 होता है ये हमारा जो है ऐसा एसिड है जिसका यूज हम लोग करते हैं दूसरे एसिड को बनाने में, जिनका कैरेक्टर कैसा होता है, मोर वोलेटाइल एसिड का होता है। ठीक है, यानी कि H2SO4 का यूज हम करते हैं इस टाइप के एसिड के मैन्युफैक्चर में जो इससे ज्यादा वोलेटाइल कैरेक्टर को शो करता है। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमारे पास NaCl है, हम इसकी रिएक्शन क्या किससे करा दें, H2SO4 से करा दें, तो हमें एसिड यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए HCl, ठीक है, प्लस और क्या मिलेगा, Na2SO4। ठीक है, तो रिएक्शन को हम क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए H2SO4 क्या है, एज कंपेयर टू HCl ये जो है कम वोलाटाइल नेचर का होता है, और HCl काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वोलाटाइल नेचर को शो करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो H2SO4 है इसका यूज हम करते हैं मोर वोलाटाइल एसिड के फॉर्मेशन में। ओके, अगर हम ये सेम रिएक्शन KNO3 के साथ कराएं और क्या ले लें, H2SO4 ले लें, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, K2SO4 प्लस और क्या रिलीज जाएगा, HNO3। तो HNO3 भी जो हमारा एसिड है वो मोर वोलेटाइल होता है एज कंपेयर टू H2SO4। तो रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं, देखिए रिएक्शन हमारी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। ओके, तो इस तरह से H2SO4 के जितने भी प्रॉपर्टीज दी गई हैं एनसीईआरटी में वो सारी यहाँ पे कवर कर दी गई हैं। ओके, थैंक यू क्लास, नेक्स्ट वीडियो में हम क्लोरीन के बारे में स्टडी करेंगे।